हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अरफान का मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अभी तक वो दिन ना 8 बजे, अभी तो बहुत ज़्यादा सो रहा है वो। इसको उठा दे, उठाइए तो प्यार, उठाइए तो प्यार प्यार से। मेरे हाथ एकदम झाड़ूगा बेटा। अप्पू, नोने, अरफान, रात के 8 बज रहे गाइस, अभी तक पता ही सो रहा है। तब पे कितने सोए थे ये? 7 साढ़े 7, आज 6 बजे सोया था। 2 घंटा सोया है नोने। 1.5 2 घंटा सोया। तो ये पानी पी, गंदा था। मैंने तुझे कैसे बोला? तो गाइस इसी चीज से ना मुझे भाई अपनी बहन को मुझसे कह रही थी पानी पहले, मैंने पानी नहीं पिलाया, मैंने पानी नहीं पिलाया। मम्मी ने पानी पे इतनी हंस रही है, पानी पी, उसका हाथ गंदा है इस वजह से। अरफान अभी फीड कर रहा है और अभी मैं जा रही हूँ किचन पे। और आज स्पेशल है, बहुत स्पेशल चीज बन रहा है मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे हस्बैंड की फरमाइश में। मम्मी बनाती है और मम्मी के हाथ की पसंद है, तो जो भी बनेगा मैं आपको किचन में दिखाऊंगी। और अभी पूरी आपको सामग्री बोलते हैं, पूरा रेसिपी के साथ आपको बताएंगे। तो अभी मिलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है मसाला पीस रही है। कैसा मम्मी, क्या क्या पीसा आप मसाले में? अदरक है, लहसुन है, बस और कुछ नहीं। ये दूध गर्म कर दिया मैंने, कर रखा था, क्यों दोबारा कर लिया? अभी थोड़ा पानी डाल दिया करो दूध में, मैंने बिल्कुल ये मुंह फाड़ते हुए आदमी। और ये तेल। तो मम्मी अब बताओ, अपने दामाद के फरमाइश में आप क्या बना रही हो? बिरयानी। देखा गाइस, इनको बहुत पसंद है। नहीं तो आज क्या बनाने वाली थी आप? इसका ढक्कन कहाँ है? अल्लाह, मुझे कैसे पूछ रहे हो? बाल्टी में आया था धोके। आपकी कसम नहीं आया है, झूठी मेरे बाप, हाल तुम मत क्या करो। बे मतलब कसम खिलाया। वो क्या सफेद सफेद सा, वो क्या है? मेरे से बोल रही हूँ बाल्टी में आया है, तू ही रखा है ना? कसम खुदा की नहीं निकला, फालतू में कसम खा। मैंने रखी क्या? तो हमारे घर पे जो बिरयानी बनती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप रिफाइंड और जो ऑयल होता है उसको गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं। फिर सारे जो गड़े गर्म खड़े मसाले होते हैं, जैसे आप देख सकते हो दालचीनी वगैरह सब कुछ होता है इसमें, ये सबको मम्मी क्या करती है कि जो बड़ी इलायची को उसको फोड़ लेती है और अपने खाने के अकॉर्डिंग इसमें गर्म मसाले ऐड करती है। आप लोग अगर हमारे जैसा बनाओगे तो आप भी बिरयानी के अकॉर्डिंग जितना आपको क्वांटिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे खड़े गरम मसाले और तेज पत्ता ऐड कर देंगे। तो जैसे ये चटर पटर होता है, मम्मी इसमें ढक्कन डाल देती है और फिर ढक्कन डालने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से दम भुन जाता है। तब इसमें जो ऐड करती है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। वो पेस्ट ऐड करने के बाद मम्मी बहुत अच्छे से बखूबी इसको अच्छे से भूनती है। भूनने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगी जब तक मसाला जो है बिल्कुल भुन ना जाए। और आपको पता है कि मसाला कैसे भूनता है, और जितना आप कहते हैं मसाले को अच्छी तरीके से भूनोगे उतना ही खाने का जायका बहुत ही उम्दा हो जाता है। तो उस हिसाब से ही आपको अच्छे से भूनना है। तो हमारे घर में ना जो भी जार में जो भी चिपक जाते हैं मसाले, उसको भी पानी डाल करके अच्छे से उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि मतलब चीज़ें वेस्ट नहीं होना चाहिए, सब कुछ माशाल्लाह से सब कुछ ऐड होना चाहिए पतीले के अंदर। तो यहाँ देखिए पानी भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है, अब अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे मिस्टर खान यानी मेरे हस्बैंड जी जो हैं, हमारे घर पे बात करें यानी हमारे ससुराल पे बात हो रही है, तो उनकी जो अरफान की जो दादी है यानी बड़ी अम्मी, वो अच्छे से वीडियो कॉल पे अपने पोते को निहारती हैं। वैसे भी हम माशाल्लाह महीने दो महीने में जाते रहते हैं, 15-20 दिन रह के आते हैं। तो ये सब बातचीत चल रही थी कि यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से भून चुका था। अब इसमें हम 1 किलो चिकन ऐड कर देंगे। तो 1 किलो चिकन में 2 किलो शायद से ना, 2 या 1.5 किलो चावल मम्मी ऐड करती है इसमें। 1 किलो, हाँ 1 किलो चिकन में 1 किलो ही चावल मम्मी इसमें ऐड करती है, क्योंकि ना कहते हैं गोश्त और चावल दोनों ही क्वांटिटी में अच्छे से दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से मम्मी ने चावल चिकन डालने के बाद इसमें नमक ऐड कर दिया था।
नमक आपको अपने ही स्वाद के अकॉर्डिंग लेना, जितना आपकी चावल है, चिकन है, जितना उसमें क्वांटिटी में पानी डलेगा उस हिसाब से ही आपको इसमें नमक ऐड करना है। उसके बाद आप चिकन को मसाले के साथ अच्छे से भूनोगे, ठीक है ना, ढक ढक के भूनना है इसको धीमी आँच में। अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन एकदम अच्छे से भून गया, तेल जो है रिफाइन यानी ऊपर आ चुका है। अब मम्मी इसमें जो है आधा घंटा चावल ये जो भिगो के रखा था, इसको डबल चाबी बोलते हैं, जो बिरयानी वाली चावल होते हैं उसको आधा घंटा मम्मी ने भिगो के रखा था, यहाँ पे वो भिगोए चावल इसमें ऐड करेंगी। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से इस चिकन के साथ भूनेंगी। अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है। मसाले से भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा वार्म वाटर यानी गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे, जितना आपको चाहिए, ठीक है। आप इसको ऐड करने के बाद इसमें फिर नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो गर्म पानी। मैं दूध पीने जा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे छाछ दही और दूध पीने के लिए बोला है, बट अभी मैं छाछ और दही इसलिए नहीं पी रही क्योंकि अरफान जो है बाबरे हाथ डाल दिया, देख लो मुझे अभी। तो अभी अरफान को जो सर्दी जुकाम है और ये अभी फीड करता है, तो इस वजह से मैं अभी दही वही तो नहीं पी रही। और आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, डॉक्टर ने ये कहा है कि मुझे 1 से 1.5 किलो पीना है, मेरी औकात से भी 1 ग्लास तक की है, वो भी बहुत मुश्किल से पीऊंगी। अब बाबू उसका हाथ पोछे, उसने देखो दूध डाल के मुंह में पूरा पोछ लिया, हाथ देखो देखो मुंह कैसे, देखो वेट टिश्यू से पोछो ना, वेट टिश्यू से पूरा दूध में मीठा मीठा हो जाएगा मुंह, तो मैं गाय इसमें पी लेती हूँ। मुझे उल्टी आती है भैंस के दूध से बहुत, और मेरे पति को भैंस का दूध पसंद है। आपने कहा हो गया, अभी लगाने वाला हूं भैंस के दूध बेटा, अपना मक्का बहुत काम है। हां यार, है ना जॉब, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। अरे मैं थोड़ी नहीं, काम ज्यादा है, ताकत ही ज्यादा लगेगी। मेरी ताकत तो तुम हो, उसने हाथ डाल के मुंह पोछ लिया अपना। तो गाइस मुझे मुझसे ना भैंस का दूध झिलता नहीं है, बचपन में खूब पिया है, बट अभी मुझे बड़े होने के बाद अभी यहाँ का जो आपको पता है कि टोन का जो वो होता है पैकेट वगैरह था उसी से ही पी पाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पी पाती। बट अब मैं आधा डाल रही हूँ क्योंकि इस दूध में बहुत लोगों की मेहनत है। मेरे हस्बैंड जाते हैं ससुराल और मेरे अब्बू जी यानी मेरे ससुर जी जो हैं वो बेचारे अपने भैंस की दूध बचा के रखते हैं क्योंकि वो भी सेल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब मेरे को देना होता है तो उस दिन वो सेल के हिसाब से थोड़ा बहुत घर के लिए दूध बचा देते हैं, यानी मेरे लिए बचा देते हैं, बाकी का जो भी थोड़ा बहुत जो बचता है वो फिर सेल आउट करते हैं। तो इस वजह से ना, तो इसमें बहुत मेहनत है। और मैं रहती हूँ भी दिल्ली और फिर ये जाते हैं ग्रेटर नोएडा, दनकौर आपने सुना होगा, वहीं पे मेरा ससुराल है। तो दनकौर पे जाते, सोचो 1 से 1.5 घंटे का रास्ता होता है ये दूध लाने का, क्योंकि हम यहाँ से भी ले सकते हैं बट यहाँ पे ना मुझे ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि दिल्ली में आपको पता है बहुत सी जगह पे ना पानी से मिलावट होती है जो भी होता है, तो उतना प्योर नहीं मिलता। पर मेरे ससुराल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुद के भैंस हैं बहुत सारी, तो अब्बू जी खुद से निकालते हैं, ताजा निकलता है, डब्बे में उसको पैक कर देते हैं अब्बू जी और फिर दे देते हैं। और जब मैं ससुराल में रहती हूँ तो माशाल्लाह वहीं पी लेती हूँ, बट यहाँ पे और बहुत इसमें कहते हैं ये दूध मेरा पीना बहुत बनता है क्योंकि इसमें बहुत लोगों की मेहनत है। तो अभी बिरयानी आपको पता है दम पे है, और दम के बाद मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी और दामाद की खुशी भी दिखाऊंगी खाने के टाइम पे, वो सब आपके साथ। पानी डालने के बाद और उसको फिर धीमी आंच पे यानी एक बार उबाल आने के बाद दम पे उसको छोड़ देना धीमी आंच पे, और उसके बाद जब आपकी चावल बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा तो आपका बिरयानी रेडी है। खा के बताओ कैसा बना है। तो गाइस हम इसमें एक ट्विस्ट डालते हैं, जंजीरा, जलजीरा होता है, मैं जलजीरा बोलती हूँ, चलो आप जैसा भी समझ लो, हल्का हल्का छिड़क दो। आप टेस्ट करेंगे मम्मी के दामाद, जो मम्मी को शुगर है हमारे, और ये हमेशा रात को ही ये बनवाते। बाबू उसमें नमक डाल चुकी है, उसमें रहने दो। ओके सर, अब चखो और बताओ, गरम है थोड़ा सा ध्यान से, ये कितना बिरयानी कितना भी गरम हो मेरे पति तो एकदम हड़बड़ा के खा लेंगे इसमें। जहर है ना, जहर। मेरी सिस्टर देखो रात के 9-10 बजे ना आई है, आप समझ सकते हो ये कितनी उतावली है नहाने के। तो अब हम खाने जा रहे हैं, ये गरम है, तो हम खाने जा रहे हैं, अब खा के आप सुनाते हैं।
मॉर्निंग दोस्तों, तो हमारी सुबह हो चुकी है। बिरयानी खाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड जी एकदम ओवरलोड हो गए थे, फिर उन्होंने बाहर टहले वगैरह। उसके बाद मेरे को वीडियो बनाने का बिल्कुल भी फितूर नहीं था क्योंकि एकदम टैंड फिश हो गए थे हम। तो ये बात तो है कि रमज़ान से पहले मम्मी ने अपने दामाद की पूरी फरमाइश पूरी कर दी क्योंकि रोज़े से रहेंगे और इफ्तारी करने के बाद ना कम भूख लगती है, तो आप लोगों को भी पता जो रमज़ान से रहेंगे इफ्तारी में बहुत ही एक स्टार्टिंग में एक दो बार खा लेंगे, उसके बाद तो बिल्कुल ही इफ्तारी करते ही टैंट फिश होकर सब सो जाते हैं। तो वही वाला सीन, तो उन्होंने बोला कि अम्मी अम्मी बना के दे, तो बन गया। यहाँ पे अभी अरफान उठ चुका है, अभी इसकी सुबह हो चुकी है एक घंटा पहले, यानी 12 बजे उठा है सो करके, और रात को 2 बजे सोया था, ये बहुत लेट सोया था, तो 12 बजे सो के उठा है। तो अभी अब इसको एक्टिव करेंगे थोड़ा बहुत और खेलेंगे इसके साथ। तो गाइस, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और फैमिली फ्रेंड के साथ अपनी वीडियो मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे कुछ नया लेकर के आएंगे आपके लिए। बाय बाय।